मनावर क्षेत्र में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमण प्रभावित स्थानों से आने वाले लोगों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। मनावर क्षेत्र को संक्रमण से बचाने हेतु मनावर तहसील की सीमाओं पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सीमा को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अन्य जिलों के लोग सीमा में प्रवेश कर प्रशासन को चुनौती देते दिखाई दे रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल मनावर के ग्राम कलवानी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग इंदौर से आकर रह रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर लगभग 5 से 6 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मनोर हॉस्पिटल भेजा, जहां डॉक्टर द्वारा चेकअप कर संक्रमित होने के संकेतों के चलते उन्हें आइसोलेशन वार्ड परफेक्ट स्कूल खेड़ी भेजा। आज सभी को कोरोना की जाँच के लिए जिला चिकित्सालय धार भेजा गया है। कि ग्राम कलवानी में 4-5 रोज से इंदौर से आके रह रहे थे मरीज, 5-6 मरीज थे, तो वहाँ से सूचना मिलने के बाद में हमने एम्बुलेंस भिजवा के और उनको यहाँ पे हॉस्पिटल बुलवाए और यहाँ पे चेकअप किया, तो लगभग 5-6 मरीजों को खांसी सर्दी और बुखार था और उनको यहाँ पे चेकअप करके आइसोलेशन वार्ड में रखा। उसके बाद में फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर में हमने परफेक्ट स्कूल शिफ्ट किया और वहाँ से उनको आज हमने सैंपल के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार भेजा है। इसके बाद देखते हैं उनकी क्या रिपोर्ट आती है, क्योंकि अभी गंभीरता इस बात की है कि धार में एक पॉजिटिव केस मिला है ऐसा सुना है, तो इसमें हमें और आगे अलर्ट रहने की आवश्यकता है।